नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज देश के सत्त सत्तरवें गणतंत्र दिवस पर आपको शुभकामनाएं इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि अब मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं उसे आप सिर्फ़ आलोक चांटिया की बात ना समझ पूरे राष्ट्र की बात समझेंगे अपना उद्देश्य समझेंगे अपना आशय समझेंगे और ये बात महसूस करेंगे कि राष्ट्र के अर्थ में इन बातों को समझा जाना चाहिए था दोस्तों जब भी आज हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं पिक्चर हॉल में जाते हैं तो राष्ट्रगान गाया जाता है राष्ट्रगान हमारे देश की पहचान है हमारी अस्मिता है देश के संविधान के नीत निदेशक तत्वों में भी हमसे ये आशा की गई है कि हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें ये मेरा कर्तव्य है राष्ट्रगान 1911 में जॉर्ज पंजम के आने पर लिखा गया था उनकी शान में लिखा गया था और भारत में स्वतंत्रता के बाद भी उसको उसी तरह से अपना लिया गया दोस्तों लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद यहाँ प्रजातंत्र की स्थापना हुई प्रजातांत्रिक मूल्य जब प्रजातंत्र का मतलब जनता है और जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति सदन में जाता है पाँच साल में अगर उसके कार्यों से हम संतुष्ट नहीं है तो हम दूसरा चुनते हैं कहने का तात्पर्य वो मेरा जननायक है अब आप राष्ट्रगान की पंक्ति सुनिए जनगण मन अधिनायक जया है क्या राष्ट्र में अभी भी अधिनायकवाद है क्या हिटलर और मुसोलिनी हम लोग चुनते हैं नहीं है ऐसा तो ऐसी स्थिति में आज की भी तारीख में राष्ट्रगान वही हो बट उसके शब्दों को तो हम परिवर्तित कर सकते हैं ना और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये बात पूरे राष्ट्र में फैलाऊं कि राष्ट्रगान में प्रजातंत्र में रहते हुए प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बदलाव किया जाए और उसको कहा जाए जन गण मन जन नायक जया है भारत जन विधाता आज सब कुछ जनता है और जनता का होना चाहिए तो जन गण मन जन नायक जया है भारत जन विधाता या भारत जन भाग्य विधाता हमारे भाग्यों का जो निर्णय लेगा वो जन नायक कि हम जयगान करें दूसरा क्या है पंजाब सिंधु गुजरात मराठा आज पंजाब भी है गुजरात भी है मराठा भी बट सिंधु नहीं है ऐसे में एक दूसरे राष्ट्र की जगह के लिए हम गान करते हैं उसका महिमा मंडन करते हैं ये हमारी दास्ता को बताता है सामाजिक कुंठा को बताता है तो मेरा दूसरा ये है कि सिंधु की जगह दूसरे राज्यों का नाम रखा जाना चाहिए और बड़े परिमार्जित तरीके से उसे कहना चाहिए कि पंजाब पंजाब अवध गुजरात मराठा पंजाब अवध गुजरात मराठा उत्कल बंगा क्या ये सही नहीं है और क्या ये हम सभी भारतीयों को सोचना नहीं चाहिए था कि हम अब अधिनायक वाद में नहीं रह रहे हैं अब हमारे साथ सिंधु नहीं है तो जो हम कहें वो सत्यता पर हो और जब इस सत्यता को समझकर हम राष्ट्रगान करेंगे तो लगेगा कि वास्तविक अर्थों में हमारा जो राष्ट्रगान है वो भी प्रजातंत्र का राष्ट्रगान है अभी तो ऐसा लगता है कि वो डिक्टेटरशिप वाला राष्ट्रगान है और इस पर ऐसा नहीं है बहुत बार लिखा गया है बहुत बातें कही गई हैं बहुत दूर तक बातें पहुँचाई गई हैं लेकिन न जाने क्यों हम और छोटी छोटी बातों पे तो बेहद बहस कर लेते हैं लेकिन इस छोटी सी बात पर बहस नहीं कर पाते ना इस पर गंभीर होते हैं इसका मतलब है कि राष्ट्रगान कही कहीं ना कहीं हमारे अंतस में नहीं स्थापित हो पाया है और यदि अंतस में स्थापित है और राष्ट्रगान इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए नियम कानून बने तो प्रजातंत्र का भी उसमें सम्मान होना चाहिए और उस गान से प्रजातंत्र के मूल्य बाहर आने चाहिए कि जन गण मन जन नायक है भारत जन भाग्य विधाता पंजाब अवध गुजरात मराठा द्रामीण उत्कल बंगा आशा है मेरा यह वीडियो आप बहुत दूर तक पहुंचाएंगे और इस आशा से पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में जब भी राष्ट्र में चेतना जगे आप जगें आप जागृत हों तो राष्ट्र का ये राष्ट्रगान अधिनायकवाद के बजाय प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए गाया जाए और उसमें अमूल चूल परिवर्तन किए जाएं इस अमूल चूल परिवर्तन में मैं आपका आह्वान करता हूं कि आइए इस महायज्ञ में शामिल होइए और हमारे साथ मिलकर इस बात को दूर तक पहुंचाइए आलोक शांतिया की यही आज सत्तरवें गणतंत्र दिवस पर आपसे प्रार्थना है और आशा है आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मेरी इस बात को दूर तक ले जाएंगे जिससे कि राष्ट्र में राष्ट्रगान प्रजातांत्रिक हो सके इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आने वाले समय में राष्ट्रगान प्रजातांत्रिक रूप में हमें दिखाई देगा जय हिंद जय भारत